गुम है किसी के प्यार में एक भारतीय हिंदी भाषा का रोमांटिक ड्रामा धारावाहिक है जो 5 अक्टूबर 2020 को स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ था। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी उपलब्ध है। यह धारावाहिक बंगाली श्रृंखला कुसुम डोला का एक रूपांतरण है। यह कहानी आईपीएस अधिकारी विराट चव्हाण के जीवन पर आधारित है। विराट अपनी पत्नी पत्रलेखा से प्यार करता है, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। पत्रलेखा का पूर्व प्रेमी सदाशिव उनके जीवन में फिर से प्रवेश करता है, जिससे विराट और पत्रलेखा के बीच दरार पैदा हो जाती है। इसके साथ ही विराट और सई जोशी नामक एक युवती के बीच भी एक जटिल रिश्ता विकसित होता है। सई एक डॉक्टर है और विराट की बेटी मोहिता की देखभाल करती है। धीरे धीरे विराट और सई एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पात्र विराट चव्हाण एक ईमानदार और समर्पित आईपीएस अधिकारी जो अपनी पत्नी और बेटी से प्यार करता है। पत्रलेखा चव्हाण विराट की पत्नी जो एक दयालु और समझदार महिला है। सई जोशी एक डॉक्टर जो मोहिता की देखभाल करती है और धीरे धीरे विराट के करीब आ जाती है। सदाशिव पत्रलेखा का पूर्व प्रेमी जो विराट और पत्रलेखा के जीवन में फिर से प्रवेश करता है। मोहिता चव्हाण विराट और पत्रलेखा की बेटी। विषय गुम है किसी के प्यार में प्यार, विश्वास, बलिदान और परिवार के महत्व जैसे विषयों का पता लगाता है। यह धारावाहिक सामाजिक मुद्दों जैसे घरेलू हिंसा और बाल विवाह को भी छूता है। प्रमुख आकर्षण कहानी गुम है किसी के प्यार में एक दिलचस्प और भावनात्मक कहानी है जो दर्शकों को बांधे रखती है। पात्र धारावाहिक के पात्र अच्छी तरह से विकसित किए गए हैं और दर्शकों द्वारा पसंद किए जाते हैं। अभिनय धारावाहिक में शानदार अभिनय है, खासकर नील भट्ट, आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा द्वारा। निर्देशन धारावाहिक का निर्देशन अच्छा है और इसमें अच्छे प्रोडक्शन वैल्यूज हैं। आलोचना कुछ आलोचकों ने धारावाहिक की लंबी कहानी और धीमी गति की आलोचना की है। इसके अलावा कुछ सामाजिक मुद्दों को संभालने के तरीके को लेकर भी आलोचना हुई है। कुल मिलाकर गुम है किसी के प्यार में एक मनोरंजक और भावनात्मक धारावाहिक है जो दर्शकों को पसंद आएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह विवरण केवल धारावाहिक के पहले सीजन पर आधारित है। क्या आप गुम है किसी के प्यार में के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया पूछने में संकोच न करें। गुम है किसी के प्यार में सई की कहानी। गुम है किसी के प्यार में एक भारतीय टेलीविजन धारावाहिक है जो स्टार प्लस पर प्रसारित होता है। यह शो एक युवा महिला सई की कहानी है जो एक अनाथ है और एक छोटे से गांव में रहती है। सई की जिंदगी तब बदल जाती है जब वह एक अमीर परिवार चव्हाण परिवार के साथ जुड़ जाती है। सई और विराट की मुलाकात विराट चव्हाण से होती है जो एक सफल डॉक्टर है। विराट की शादी पैक्षवी से हो चुकी है, लेकिन उनके बीच तनाव है। सई और विराट की मुलाकात एक दुर्घटना के बाद होती है जहां सई विराट की जान बचाती है। इस घटना के बाद विराट सई की मदद करने का फैसला करता है और उसे अपने घर ले आता है। सई और चव्हाण परिवार में सई का स्वागत नहीं होता है। पैक्षवी विराट की पत्नी सई को घर से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन विराट सई का साथ देता है और उसे परिवार में स्वीकार करवाने की कोशिश करता है। सई और विराट का प्यार सई और विराट के बीच धीरे धीरे प्यार पनपने लगता है। वे एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। हालांकि उनके प्यार के रास्ते में कई बाधाएं आती हैं। पैक्षवी की साजिश पैक्षवी सई और विराट के प्यार को खत्म करने के लिए कई साजिशें रचती है। वह सई को बदनाम करने की कोशिश करती है और विराट को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। सई और विराट का विवाह सई और विराट अंततः एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। हालांकि उनकी शादी के बाद भी उनके जीवन में कई चुनौतियां आती हैं। सई और विराट की लड़ाई सई और विराट के बीच कई बार लड़ाई होती है, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे के लिए वापस आ जाते हैं। उनकी लड़ाई अक्सर पैक्षवी की साजिशों के कारण होती है। सई और विराट का परिवार सई और विराट एक परिवार बनाने की कोशिश करते हैं। वे एक बच्चे को गोद लेते हैं और एक खुशहाल परिवार बनाने का प्रयास करते हैं। गुम है किसी के प्यार में एक रोमांटिक ड्रामा है जो परिवार, प्यार और विश्वास के महत्व को दर्शाता है। यह शो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है और उन्हें सई और विराट की कहानी का अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है।